डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश को एक लीगल नोटिस भेजा है अपने लीगल सेल के थ्रू, डिफर्मेशन केस किया है और वहां उन्होंने उनसे 2 करोड़ रुपए की मांग की है। आप देख रहे हैं इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़ 24/7, मैं हूं आपके साथ उमेर अल्ताफ वानी। ये खबर निकल कर आ रही है गुलाम नबी आज़ाद जो कि भारत और खासकर जम्मू कश्मीर के एक जाने माने नेता हैं, लीडर हैं, फॉर्मर CM भी रह चुके हैं, उन्होंने कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश को अपने लीगल काउंसिल के थ्रू एक नोटिस भेजा है, डिफर्मेशन केस का नोटिस, और उनसे 2 करोड़ रुपए डिफर्मेशन की रकम मांगी है। दरअसल ये वाक्य तब पेश आया जब जयराम रमेश ने लगातार अपने ट्विटर हैंडल के थ्रू कुछ ट्वीट्स किए। जैसा कि आप सबको भी पता होगा कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के लीडर पहले कांग्रेस के एक दिग्गज नेता हुआ करते थे, कांग्रेस से विदा होकर उन्होंने एक अपनी अलग पार्टी बनाई जिसका नाम था डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी, उस पार्टी के वो चेयरमैन हैं। उसके बाद से ही लगातार कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं ने उन्हें तनकीद का शिकार बनाया है, अपना निशाना बनाया है। ऐसा ही कुछ किया था जयराम रमेश ने, जहां पर लगातार उन्होंने ट्वीट्स में उन्हें स्लेव, मीर जाफर और वोट कटर के तौर पर मेंशन किया है। स्लेव यानी कि जैसा कि आपको पता है कि गुलाम नबी आज़ाद, जब गुलाम का आप ट्रांसलेट करते हैं तो उसका मतलब स्लेव निकल कर आता है। वैसे अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसका मतलब कुछ इस तरीके का नहीं होता, लेकिन जब आम लैंग्वेज में इसका मतलब निकाला जाता है तो इसका मतलब स्लेव होता है। इस चीज़ को उन्होंने बार बार यूज़ किया उन्हें ताने कसने के लिए, उन पे उनको डिफेम करने के लिए। एंड मीर जाफर एक ऐसी एग्जाम्पल है जो कि काफ़ी हाईलाइटेड है। इसको समझने के लिए हमें कुछ पास्ट में जाने की ज़रूरत पड़ेगी। मीर जाफर एक कमांडर हुआ करते थे बंगाल आर्मी, सिराजुद्दौला की हुकूमत के दौरान ये बंगाल आर्मी के कमांडर हुआ करते थे, इनका नाम था मीर जाफर। लेकिन बैटल ऑफ प्लासी के दौरान इन्होंने सिराजुद्दौला की आर्मी के साथ गद्दारी कर अंग्रेज़ों के साथ हाथ मिला लिया। तब से मीर जाफर के नाम को एज ए ट्रेटर यानी कि एज ए गद्दार इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तीन नाम, स्लेव, ट्रेटर या मीर जाफर हम कहें, या फिर उन्हें वोट कटर के तौर पर नाम दिया गया है। वोट कटर उन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने अलग पार्टी बनाई, कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी को ऑटोमेटिक सपोर्ट करेगा जिस प्रकार से कांग्रेस और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ का मानना है, इसीलिए उन्हें वोट कटर के भी ताना कसा गया है। लेकिन आज़ाद की लीगल काउंसिल के एक मेंबर नरेश शर्मा ने ये कहा है, उन्होंने इन वर्ड्स को डेलिबरेटली इस्तेमाल किया है ताकि वो गुलाम नबी आज़ाद की रेपुटेशन को डिफेम कर सके। उन्होंने ये जानबूझकर किया है क्योंकि उन्होंने उनकी पार्टी से किनारा कर लिया था, इसीलिए ऐसे ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि उन्हें डिफेम किया जा सके। इसीलिए डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के जो काउंसिल सेल है, उनकी लीगल काउंसिल सेल, उन्होंने एक डिफर्मेशन केस किया है कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश पर, और डिफर्मेशन के तौर पर उनसे 2 करोड़ रुपए की मांग की है। ये देखने वाली बात होगी कि इसका जयराम रमेश या फिर कांग्रेस पार्टी का किस तरीके से वो इस बात को, गुलाम नबी आज़ाद की बात को रिप्लाई करते हैं। क्या वो 2 करोड़ रुपए का डिफर्मेशन पे करने के लिए तैयार हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उन्होंने साथ ही साथ इसमें ये भी ऐड किया है कि इसकी वजह से गुलाम नबी आज़ाद की रेपुटेशन तो गई ही, लेकिन उनकी मेंटल हेल्थ पर भी इफेक्ट पड़ना शुरू हो चुका है एंड हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उनको हैरेस किया जा रहा है और उनकी इमेज को पब्लिक के सामने ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। एंड इन्हीं बातों को हथियार बनाकर उन्होंने अपने लीगल काउंसिल के थ्रू, नरेश शर्मा के थ्रू, जयराम रमेश जो कि कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन पर डिफर्मेशन केस किया है और डिफर्मेशन के तौर पर 2 करोड़ रुपये की मांग की है। मज़ीद ऐसी अपडेट्स के लिए आप बने रहें इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़ 24/7 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर।